हेलो फ्रेंड्स, चटोरी दीपा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी रसोई में बना रही हूँ आप सभी लोगों के लिए सूखी लाल मिर्च और नींबू का अचार, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है। ये अचार ज़्यादातर बारिश के महीने में बनाया जाता है, सावन में। और इस अचार में जितने भी हमने मसाले डाले हैं, ये सारे मसाले हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो एक तरह से इसको आयुर्वेदिक अचार भी कह सकते हैं। तो इसकी सामग्री देख लेते हैं। हमने 300 ग्राम नींबू लिए हैं। नींबू जो है वो काफ़ी साफ होने चाहिए, उसमें धब्बे नहीं होने चाहिए। 20 ग्राम करीब मैंने लाल मिर्च ले ली है सूखी। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चुटकी हींग ली है, एक चम्मच जीरा, दो छोटे चम्मच काली राई ली है जिसको सरसों भी बोलते हैं, एक चम्मच हल्दी, काला नमक स्वाद अनुसार, आप चाहें तो इसमें सफ़ेद भी डाल सकते हैं, एक चम्मच कलौंजी, तीन चम्मच सौंफ और एक चम्मच अजवाइन। तो सबसे पहले हमें जो हमारी ये लाल मिर्च हैं सूखी, इनकी हमें डंडियाँ अलग करनी है मिर्च से, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाएं। एक एक करके हमें सारी मिर्चों में से इनकी डंडियाँ निकाल लेनी है। तो मिर्चों में से डंडियाँ निकाल के हमने अलग कर दी हैं। अब हमारे जो ये नींबू हैं, इनको हमें दो पार्ट्स में कट करना है। आप चाहें तो इनको और छोटा काट सकते हैं, लेकिन पहले हम इसका नींबू का रस निकाल के अलग कर लेंगे, उसके बाद आप चाहें तो इसको काट लेना। अब हमारे जो नींबू है उसका हमने रस निकालेंगे। इसके लिए हमने मैंने एक बाउल के ऊपर छन्नी है वो रख दी, जिससे इसके बीज अलग हो जाएं, वो अचार में नहीं जाएं। तो एक एक करके हमें ऐसे ही इनका नींबू का रस निकाल के अलग कर लेना है। तो नींबू का रस हमने निकाल लिया है, अब हमें इसका मसाला बनाना है। तो जो हमारे मसाले थे हींग, ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ, राई, इन सभी को अच्छे से हमें कूट लेना है। अब हमें इन मसालों को अच्छे से कूटना है धीरे धीरे करके, ताकि ये अचार का जो मसाला है वो थोड़ा सा बारीक हो जाए। तो देखो, अचार का मसाला जो हमारा है वो बारीक हो चुका है। अब ये हमारे जो नींबू हैं कटे हुए, हमने इसमें लाल मिर्च तोड़ के डालनी है। आप चाहें तो पूरी साबुत लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। मैं इसलिए तोड़ रही हूँ ताकि जो नींबू का रस है वो इन मिर्चों में अच्छे से भर जाए। और ये नींबू का जो हमने रस निकाला था, इसमें हमने जो कुटा हुआ मसाला है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। हल्दी, कलौंजी और काला नमक। काला नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो। और इन सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमें जो हमारे ये नींबू और लाल मिर्च हैं, इस पे ये हमें मसाला डाल देना है। और ये मसाला डाल के हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। सूखी लाल मिर्च और नींबू का अचार जो है, ये बनकर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको आप चाहें तो रोटी के साथ, पराठे के साथ और खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। खिचड़ी के साथ ये अचार बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब हमें इस अचार को एक घंटे के लिए ढककर रख देना है। एक घंटा हो गया है, अब हमारा अचार आप देखेंगे कि बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा। ये अचार हमारे घर में सावन में हर साल बनता है, और इस अचार को मेरी मम्मी ही बनाती हैं, और ये रेसिपी मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी है। तो मेरा तो अचार बनकर हो गया है तैयार। आप भी ये रेसिपी देखकर एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत जल्दी बन जाता है। आप इस अचार को जार में डाल के फ्रिज में रख के काफ़ी महीनों तक अच्छे से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको जब भी घर पर बनाएं तो आप इसे फ्रिज में रखें, और फ्रिज में रख के महीनों तक आप आराम से अच्छे से खा सकते हैं। तो है ना कितना ईजी नींबू और मिर्च का अचार। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना,
वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएगा। तो मेरा तो हो गया झटपट से बनके तैयार आयुर्वेदिक नींबू मिर्च का अचार। थैंक यू सो मच गाइज़।